आई होप हमें ढूंढने से पहले डैड के गुंडे अपना रास्ता भटक जाएं। आई रियली होप सो। हाँ, नहीं तो तुम दोनों के प्यार के चक्कर में मुझे सूली चढ़ना पड़ेगा। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम दोनों का भागने का इंतजाम मैंने किया है तो। अरे यार, तू डरता बहुत है यार। देखना, एक बार मेरी और जीनी की शादी हो जाए ना, उसके बाद इसके डैड तो अपने आप मान जाएंगे। बस तुम्हारी शादी हो जाए। अरे भाई, क्यों नहीं होगी शादी? जरूर होगी। शादी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए तो शहर से इतना दूर आए हम लोग। लेकिन कल सुबह शादी करने से पहले हमें आज रात कहीं काटनी होगी। मानव, शाम हो रही है और रात को ट्रैवल करने के लिए ये एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आई नो, पर आई एम रियली वेरी सॉरी। हमें एक सस्ता होटल ढूंढना होगा। क्या है ना, बड़े होटल का बजट नहीं है हमारे पास। इट्स ओके। हे गाइस, वो लॉज देखो, आई थिंक वी कैन अफोर्ड दैट। हियर वी आर गाइस, कम ऑन, लेट्स गो। या यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा यार। कोई है यहाँ पर? एक्सक्यूज मी, हेलो। क्या चाहिए? क्या चाहिए से क्या मतलब है? लॉज है तो रहने के लिए जगह चाहिए, और क्या। कमरा नहीं है? जाओ यहां से। क्यों नहीं है भाई कमरा? मुझे आपके अलावा यहाँ कोई दूर दूर तक परिंदा तो नजर नहीं आ रहा, तो कमरा क्यों नहीं है? देखिए, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ आज की रात हमें यहाँ ठहरने दीजिए। हम मुसीबत में, प्लीज हमें रूम दे दीजिए। अगर यही तुम लोगों की मर्जी है तो ठीक है, मगर मेरी एक बात ध्यान से सुनो। यहां रुककर तुम लोग किसी भी दूसरे आदमी से बात नहीं करोगे, यही तुम लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि रात को मैं यहां नहीं रहती। पर ओके, ठीक है, आओ मेरे साथ। अच्छा मैडम, ये बताइए यहाँ के रूम का रेंट कितना होगा? जो देना है दे दो, क्या फर्क पड़ता है। मानव, जल्दी लकड़ियां लाओ। चेनी बेबी, Yes. I have news for you. Yep. मैंने मोबाइल के GPS सिस्टम पे चेक किया है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक छोटा सा मंदिर है, एक छोटी सी पहाड़ी के पीछे। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वहीं पे शादी कर ली जाए, उसके बाद हम कोर्ट मैरिज भी कर लेंगे। Yes. और अगर उससे पहले तुम्हारे खूखार बब्बर शेर डैड ने हमें ढूंढ लिया तो हम रोहित को उनका चारा बना देंगे। What do you say? Good idea. भाई तू हमेशा मुझे ही फंसाता है यार। अब कितना डरपोक है तू। Come on. शमिता जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। यहाँ आप इस वीराने में आप ये सुनसान लॉज चलाती हैं, आपको डर नहीं लगता? अब मुझे डर नहीं लगता। इस लॉज को संभालने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। आपकी फैमिली में कोई? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस लॉज के अलावा एक छोटा सा घर है, बस खाना लगा दिया है, और किसी चीज की जरूरत हो तो सामने किचन है। वैसे रात काफी हो गई है, अब तुम लोग भी खाना खाकर सो जाओ। और हाँ, मैंने जो कहा वो याद है ना? हाँ हाँ, हम किसी से भी बात नहीं करेंगे। हाँ, अब मैं चलती हूँ, सुबह मिलूंगी। शमिता जी, गुड नाइट।
टेक केयर एंड हाँ थैंक यू फॉर द फूड बाय वाओ ब्यूटीफुल कितनी खूबसूरत है यार ये अच्छा बहुत प्यार आ रहा है उस पे शादी हुई नहीं तुमने बीवी वाले रिएक्शन देने चालू कर दिए कम ऑन यार मतलब शी जस्ट अ गॉर्जियस वुमन मैं खूबसूरती की तारीफ कर रहा था यार उसकी खूबसूरती को छोड़ देखा वो कैसे बिहेव कर रही थी पहले तो कमरा देने को तैयार नहीं थी अब बोल रही किसी से मिलो नहीं किसी से बात मत करो अरे यहाँ है कौन बात करने के लिए पूरा सुनसान पड़ा है आई नो मुझे भी इस लॉज में कोई नहीं दिखा अरे भाड़ में गए सब हम अपनी बात करते हैं ना तुम्हारी हमारी हमारी शादी की कुछ तुम्हारे उस बब्बर शेर खूखार डैड की ऐसे चलिए एक बात बताऊं अगर मेरे पास पैसे होते ना तो तुम्हारे डैड कभी भी इस शादी के लिए मना नहीं करते अविश कहीं से मेरे पास ढेर सारे पैसे आ जाए सारे पैसे तुम्हारे डैड को देकर ना उनकी बोलती बंद कर दूंगा हमेशा के लिए भाई अभी तक तो कोई था नहीं अब ये कौन आ रहा है लगता है कोई गेस्ट अपने रूम से बाहर आ रहा है लॉज में नए आए हो जी हाँ हम लोग आज ही आए क्या आप भी यहीं ठहरे देखा नहीं आपको आप मैं विराज विराज कुमार शमिता ने किसी से भी बात करने के लिए मना किया है तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए ना जेनी के फादर को देने के लिए हाँ लेकिन ये सब आपको कैसे पता मैं ऊपर से तुम्हारी बातें सुन रहा था तुम्हें एक ऑफर देने चला आया तुमने जवाब नहीं दिया मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा एक ही रात में आज चाहिए बहुत सारे पैसे और वो भी एक रात में अंकल क्यों मजाक कर रहे हैं आप नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूं डिसाइड कर लो अगर तुम्हें चाहिए तो ठीक 10:30 बजे मेरे रूम नंबर 13 में आ जाना See you. Guys, मैंने डिसाइड कर लिया एक बार इस बंदे से जरूर मिलना चाहिए पता तो चले इसका ऑफर है क्या मानो प्लीज डोंट इवन थिंक शमिता ने किसी से बात करने के लिए भी मना किया है भाई संभाल के अंकल अंकल
अंकल लगता है अंकल कहीं बाहर गए मैं बाद में आता हूं ऑफर सुने बगैर ही जा रहे हो आप यहां लेकिन अभी तो आप यहां नहीं थे ये सब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम मुझे बाजी में हरा दो बाजी मतलब ताश की बाजी हाँ ताश की बाजी में अगर तुम मुझे हरा दो तो ये सब कुछ तुम्हारा और अगर मैं नहीं हरा पाया तो अगर तुम हार गए तो तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि जो मैं कहूं तुम वो करोगे अगर जीत गया तो ये सारा पैसा मेरा और अगर हार गया तो होगा कोई छोटा मोटा टास्क कर लेंगे रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है ठीक है मुझे मंजूर है वेरी गुड लेट्स स्टार्ट शो करें शो मैं जीत गया अंकल द गेम इज नॉट ओवर येट पड़ेगा जो मैं कहूं क्या करना होगा मुझे यहां से 50 किलोमीटर दूर
पहाड़ी पर मेरा बंगला है, वहां पर तुम्हें मेरी बीवी मिलेगी। तुम्हें वहां जाकर उसका खून करना है। क्या दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? उसकी अलमारी में एक काला बॉक्स है जिसके अंदर 10 किलो सोना है। तुम्हें वो बॉक्स सोने के साथ इधर लाना है। देखिए अंकल, आप मेरी बात समझने की कोशिश। मैं आपकी वाइफ को कैसे मार सकता हूं? देखिए ये मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा? नो। ठीक है, यही बात तुम उससे कहो। मैं कर लेते हैं। आप प्लीज उसे रोक लीजिए। अंकल प्लीज, अंकल 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 प्लीज 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 रोक लीजिए। जाओ और मेरा काम करो, और खबरदार जेनी या रोहित से कुछ भी कहा या भागने की कोशिश करी, नहीं तो जिसे गायब किया है ना उसे फिर से तुम्हारे पीछे लगा दूंगा और तुम सबको खत्म कर दूंगा। जाओ, जल्दी जाओ। अश्विनी जी, अश्विनी जी, अश्विनी जी,
अश्विनी जी, अश्विनी जी, अश्विनी जी, ये तो मर गए। बॉक्स, उसने कहा था वो बॉक्स कबर्ड में, कबर्ड, कबर्ड। मानव कहाँ गया होगा? जेनी, काम डाउन, काम डाउन। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, आ जाएगा मानव, आ जाएगा। रोहित, मैं रात को वो कमरा चेक करने गई थी, पता नहीं उस कमरे में क्या हुआ होगा। मैंने जब आवाज दी तो किसी ने जवाब भी नहीं दिया, मेरा मानव कहाँ गया होगा? आ जाएगा, चिंता मत करो। अच्छा हुआ आ गई, प्लीज मानव को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। शमिता, मानव गायब है। वो एक्चुअली वो रूम नंबर 13 में विराज अंकल है ना, उनको वो मिलने गया था और उसके बाद वो भागकर कहीं गया और सुबह हो गई, वो अभी तक लौटा नहीं है। प्लीज उसे ढूंढिए ना, प्लीज। मानव अंकल से मिलने के लिए गया था? हाँ। तो फिर बाजी हो ही गई, अब मानव कभी वापस नहीं आएगा। जब मानव चला गया तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ से जाओ। शमिता, आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? शमिता, आज मेरी और मानव की शादी है। प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। बुलाओ विराज अंकल को, तुम क्या छुपा रही हो? चल क्या रहा है इस लॉज में? विराज अंकल सिर्फ रात में आते हैं इस लॉज में। रात में? इससे ज्यादा तुम दोनों को जानने की जरूरत नहीं है। मानव अब कभी नहीं आएगा, वो अब कभी नहीं आएगा। तुम लोग भी चले जाओ, जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ, जाओ यहाँ से। प्लीज प्लीज मत जाओ। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मैं इन लोगों की मदद करूं या नहीं? देखा ही नहीं था। अरे तुम लोग अभी तक यहीं हो? अंकल मानव कहाँ है? कल रात को वो आपके कमरे में आया था, आपकी उसके साथ क्या बात हुई है? बोलो। Thank you.
मानव, मानव ये तुम क्या कर रहे हो? मानव, मानव ये क्या कर रहा है? मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूं अगर तुम मेरे साथ एक बाजी खेलने को तैयार हो। वेरी गुड, 10:30 मेरे रूम नंबर 13 में आ जाना। छोड़ दो इसे। अंदर आओ, बैठो। मेरे साथ एक बाजी खेलनी पड़ेगी और अगर तुम हार गई तो जो मैं कहूं तुम्हें करना पड़ेगा। मंजूर है? मैं जीत गया और तुम हार गई। अब जो मैं कहूं तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा हूं। मेरे दोस्त यहां आने वाले थे बाजी खेलने। ये बाजी होने के लिए लगी हुई है। 10:30 वो अभी तक आए नहीं।
तुम्हें बरखा विला जाकर उन्हें यहां लाना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब समझ में आया, आपने ऐसी बाजी खेलकर मानव को बाहर भेज दिया होगा। आपने जो ट्रिक खेलकर उसको फंसाया है वही आप मुझ पर प्ले कर रहे हो। कहाँ है मानव? कहाँ है मानव? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। नहीं मानोगी? नहीं। नहीं जाओगी? नहीं। ये भी नहीं मान रही मेरी बात? जल्दी जाओ। अच्छा मानिक, तुम्हें याद है ना, इस साल तुम मुझे कुछ सरप्राइज गिफ्ट देने वाले थे। हाँ हाँ सोनम, बिल्कुल याद है, पर अभी साल खत्म नहीं हुआ है ना। ये लो थोड़ा सा और। जी हाँ कहिए। अब इन्हें कैसे बताऊं कि उस विराज अंकल के कहने पर मैंने रेड रोज लॉज ले जाने आई हूँ। जी वो मेरी कार खराब हो गई है और मैं रास्ता भूल गई हूँ, तो मेरे पेरेंट्स जब तक मुझे पिकअप करने आते हैं मैं आपके यहाँ वेट कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल आओ ना। प्लीज कम। हमारे साथ डिनर कर लो। लो लो। अरे शर्मा क्यों रही हो, कुछ तो खाओ। वैसे तुम हो कहां से? जी वो मानिक, उसे खाना तो खाने दो। और हाँ, जो बात तुम मुझसे कर रहे थे उसे पूरा करो। मुझे बताओ मेरा गिफ्ट कब मिलेगा? कहा ना बाबा, अभी साल 2009 पूरा नहीं हुआ है। साल के खत्म होते होते ही तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट तुम्हारे पास होगा। 2009? ये तो 2015 चल रहा है। याद रहे 2009 का 2010 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ी दाल और लो। क्या हुआ, पता चल गया कि हम मर चुके हैं? हाँ हमारी मौत हो चुकी है, एक डकैत के हाथों अपने ही घर में, उसी रात को जब हम विराज को मिलने उसके लॉज में जाने वाले थे। अरे क्या हुआ, आप खाना नहीं खाओगी हमारे साथ? अब तुम भी मरोगी, मरने के बाद हमारे साथ खाना खाओगी ना? Are you okay? Sab theek hai.
जेनी, जेनी आर यू ऑल राइट? तुम ठीक हो? शमिता, तुम्हारे लॉज में क्या चल रहा है? विराज अंकल, मानव, रोहित, कुछ तो अजीब हो रहा है। तुम क्या छुपा रही हो? प्लीज बताओ। बताती हो, सब कुछ बताती हो। विराज अंकल हमारे शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उन्हें रोज शराब पीना और रोज ताश के बाजी खेले बगैर चैन नहीं आता था। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे परेशान होकर उन्हें घर से निकाल दिया। विराज अंकल आकर हमारे लॉज में ठहरे, उसी रूम नंबर 13 में, और रोज की तरह शराब पीने के बाद अपने उन्हीं दोस्तों के साथ मानिक और सोना ताश की बाजी खेलने लगे और अपनी लालची बीवी को मारने का प्लान बनाने लगे। पर 9 नवंबर 2009 की उस रात कुछ और ही हुआ था। मानिक और सोनम की आत्मा थी और हम जिस विराज अंकल से मिलते हैं वो उनकी आत्मा है। हाँ, उस रात से लेकर आज तक विराज अंकल की आत्मा अपनी उसी रात की अधूरी बाजी को पूरी करने के लिए हर रात किसी न किसी का इंतजार करता है और जो भी उनके साथ ताश खेलता है उसका वही हश्र होता है जो मानव का हुआ। कोई जिंदा नहीं बच सकता, इसका मतलब मानव मर गया। जेनी, नहीं, जेनी, नहीं मानव, नहीं। प्लीज संभालो अपने आप को। जेनी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अब मानव वापस नहीं आएगा। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मैं विराज अंकल के आत्मा के बारे में किसी से बात नहीं कर सकती। अगर मैंने किसी को बता दिया तो वो आत्मा मुझे मार देगी। इसका मतलब वो आत्मा मुझे ही मार देगी? नहीं, वो आत्मा सिर्फ लॉज में कैद है। यहाँ वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारे जैसे कई लोगों की मुझे जान बचानी है, मुझे यही रहना पड़ेगा। मगर तुम जा सकते हो, तुम भाग जाओ यहाँ से। मैं नहीं भागूंगी, मैं विराज जंगल की आत्मा के खेल को खत्म करके रहूंगी। शायद इससे मुझे मेरा मानव वापस मिल जाए। शमिता, इस आत्मा के खेल को खत्म करने का कोई तो उपाय होगा। विराज जंगल की आत्मा का छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय? हाँ, है एक उपाय। ये देखो, ये विराज अंकल के अपने ताश के पत्ते। इन्हीं पत्तों के साथ वो उस रात अपनी बाजी खेलने के लिए तैयार थे जिस रात उनका कत्ल हुआ। विराज अंकल की आत्मा आज भी इसलिए भटक रही है क्योंकि उस रात उनकी बाजी अधूरी रह गई थी। उस रात ना ही उनका दोस्त आया और प्रीतिका ने उनका खून कर दिया। अगर अगर उनकी ये अधूरी बाजी पूरी कर दी जाए तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो चले जाएंगे हमेशा के लिए। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? मेरे पापा एक ऑकल्टिस्ट थे, वो आत्मा पर काबू पाने की विद्या जानते थे। उन्होंने ही मुझे बताया था कि एक यही रास्ता है इन सब से छुटकारा पाने का। उन्होंने कोशिश भी की थी। फिर पापा ने बताया था कि विराज अंकल का कत्ल होने से पहले अगर उनकी बाजी को पूरी कर दी जाए
तो उनकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। और वो आत्मा हर रोज अपनी बाजी को पूरी करने के लिए किसी नए खिलाड़ी का इंतजार नहीं करेगी। मेरे पापा ने कोशिश भी की थी मगर वो कामयाब नहीं हो पाए। मुझ में तो इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि मैं एक आत्मा का सामना कर सकूं और उसे मुक्त कर सकूं। ये काम मैं पूरा करूंगी। मानव को वापस पाने के लिए विराज अंकल की अधूरी बाजी वक्त से पहले मैं पूरी करूंगी। और ये ताश की गड्डी 10:30 बजे से पहले अंकल के टेबल पर रख देना, याद से। ठीक। और प्लीज तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ऑल द बेस्ट। या ओके। मेरे दोस्तों की कुर्सी पर क्या कर रही हो? 10:30 बजे मेरे दोस्त लोग आने वाले थे यहाँ मेरे साथ बाजी खेलने के लिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस लॉज में ठहरी हूँ। क्यों ना जब तक आपके दोस्त आते हैं आप और मैं एक बाजी खेल लें। आप एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं और मैंने सुना है आप कभी कोई बाजी खेलने से मना नहीं करते। हाँ, मैं मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ और मैं बाजी खेलने के लिए कभी मना नहीं करता हूं। ठीक है, बजे तक कृतिका विराज अंकल को मारने आ जाएगी। मुझे उसके आने से पहले बाजी पूरी करनी होगी।
क्वीन किंग। मैं जीत गया। मैं जीत गया। मैं मंचा हुआ खिलाड़ी हूं और मैं जीत गया। तुम कौन हो? नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, मार दूंगी आज मैं तुझे। तुम कौन हो? शमिता, मैंने बाजी पूरी की। थैंक यू सो मच। अंकल की बाजी तो पूरी हो गई, लेकिन मैं अपने मानव को वापस, मैं बाजी हार गई, मैं बाजी हार गई। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.